हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करते हैं साल 1995 में आई फिल्म गुनहगार के बारे में। एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में लोग चर्चाएं कम करते हैं, लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये फिल्म मिथुन दादा की बेहतरीन फिल्मों से एक कही जा सकती है। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है और उसको खदेड़ने के लिए एक पुलिस अधिकारी अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। लेकिन इसी बीच उस पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि उसकी खुद की बहन एक आतंकवादी से प्यार करती है। क्या वो इस आतंकवाद को रोक पाएगा? क्या वो अपनी बहन को रोक पाएगा? ये कहानी जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। 4.8 out of 10 की IMDb रेटिंग के साथ आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। आज बात करेंगे इसके बजट कलेक्शन के बारे में, आज बात करेंगे इसके कास्ट और क्रू के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके बजट और कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो बजट था वो तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख के आसपास था और इस फिल्म ने 2 करोड़ 81 लाख रुपए भारत में कमाए थे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने 2 करोड़ 81 लाख रुपए भारत में कमाए थे, जबकि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 2 करोड़ 84 लाख 12 हज़ार 500 रुपए कमाए थे। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम बात करें, इसने अपने पहले हफ्ते में तकरीबन 1 करोड़ 7 लाख रुपए का व्यवसाय किया था। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके कास्ट के बारे में। कास्ट में इसमें मिथुन चक्रवर्ती अपने दमदार अभिनय के साथ नजर आए, उनके साथ नजर आई खूबसूरत अदाकारा उनकी बहन के रोल में पूजा भट्ट। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अतुल अग्निहोत्री, किरण कुमार जैसे मंझे हुए कलाकार इस फिल्म में नजर आए। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी करी थी भूषण पटेल ने। भूषण पटेल एक कमाल के निर्देशक हैं, उन्होंने कई भुतहा फिल्मों को बनाया है जैसे कि रागिनी MS 2, अलोन और 1920 इविल रिटर्न जैसी फिल्में बना चुके हैं। इसके अलावा वो जुनून फिल्म में एज ए एक्टर भी नजर आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके निर्देशक की, तो इसको विक्रम भट्ट ने बनाया था। विक्रम भट्ट कई भुतही फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते हैं। इसकी स्टोरी लिखी थी महेश भट्ट साहब ने, क्योंकि उनकी बेटी पूजा भट्ट ने भी इसमें अभिनय किया है जैसा कि हमने बताया। इस फिल्म के जो पटकथा लेखक थे वो थे इकबाल राज और इसकी निर्माता थी कल्याणी सिंह। इसका संगीत दिया था श्याम और सुरेंद्र ने और कमाल की फिल्म थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।